हेलो गाइस, हम लोग कहते हैं ना वी लव आवर इंडिया, अब वक्त आ चुका है ये साबित करने की। चाइना और इंडिया के बीच क्या चल रहा है सभी को पता है, तो अब वक्त आ चुका है चाइना को सबक सिखाने की जो हम सब कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते कि एक टेक पर्सन होने के नज़दीक हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल बुक्स, मैं हूं सोमोजी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह हम सभी को ही पता है कि चाइना का जीडीपी का बहुत बड़ा परसेंटेज इंडिया की मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अगर चाइनीज प्रोडक्ट इस पर छोड़ दे तो आप जरा सोचिए कि चाइना का कितना बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए सबसे पहले जितना हो सके चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल में लेना छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो प्रोडक्ट फिलहाल यूज़ कर रहे हैं वो अगर चाइनीज प्रोडक्ट है तो उसे फेंक दीजिए, क्योंकि उससे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लेने वाले तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि चाइनीज प्रोडक्ट ना हो। अगर बात करें स्मार्टफोन की तो Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo जैसी चाइनीज कंपनी को छोड़ के हमें Samsung, Motorola या Nokia में झांक देना चाहिए। ऐसे भी इन्हीं सारी कंपनी में वो सारे फालतू के नोटिफिकेशन या ऐप तो नहीं आते, और ऐसा भी नहीं है कि इन्हीं सारी कंपनी के फोन खराब है। या Samsung का गैलेक्सी M21 या M31 या गैलेक्सी A51 को देख लीजिए, या Motorola का Moto One Fusion Plus को देख लीजिए, बहुत ही कमाल के फ़ोन है। लेकिन जो काम हम अभी कर सकते हैं वह है सॉफ्टवेयर में। आप अगर कोई एक्सपर्ट है और आपका फ़ोन अगर कोई चाइनीज़ फ़ोन है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए उस फ़ोन में कोई कस्टम रोम इंस्टॉल किया जाए, ताकि उस फ़ोन के साथ उस कंपनी की कोई भी ज़्यादा रिलेशन ना रहे। और जो काम हम सब कर सकते हैं वो है चाइनीज़ ऐप्स अनइंस्टॉल। इंडियन इंटेलिजेंस ने 52 ऐप्स ऐसे बताए हैं जो इंडिया के लिए खतरनाक है। इंडियन इंटेलिजेंस ने गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट की है इन सारी ऐप्स को बैन करने के लिए, और एटलीस्ट लोगों को वार्न करने के लिए, ताकि लोग ये सारे ऐप्स इस्तेमाल में ना लें। ये सारे ऐप्स चाइना के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। हमारे कंट्री का डेटा या हमारे पर्सनल डेटा भी चाइना तक पहुँचा रहे हैं। हम क्यों ऐसा होने दें? हमारे कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ है भी या नहीं? हम क्या हमारे देश से प्यार नहीं करते तो हम ये क्यों करेंगे? हम लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए हमारे देश के बारे में, उसके बाद एंटरटेनमेंट। हम लोगों को हमारा डेटा बहुत ही सिक्योर रखना चाहिए, ताकि उन डेटा को कोई भी टच भी ना कर पाए। और ये सारे ऐप्स हमारा डेटा चाइना तक पहुँचा रहा है। क्या पता ये चाइना का ही कोई साजिश हो और भी बड़ी मुसीबत आने वाला हो इंडिया के ऊपर। इसीलिए हम लोग को अभी के अभी सतर्क हो जाना चाहिए। तो चलिए इन सारे ऐप्स का नाम मैं स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ। इनमें से बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स हैं, जैसे कि टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, भिगो वीडियो, सेंडर, शेयरइट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर इनमें से किसी भी ऐप आपके फ़ोन में है तो आप भी के अभी अनइंस्टॉल कीजिए। यह हमारा कर्तव्य है हमारे देश के लिए। तो क्यों दे हमारा डेटा किसी और को? क्या एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है हमारे लिए? नहीं ना। तो चलिए दिखा देते हैं चाइना को कि इंडिया क्या कर सकता है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच जाए। और कमेंट में बताइए कि आपका क्या राय है इसके बारे में। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और आपने अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया जरूर कीजिए, idea@technicalboxy। तो मिलते कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।